जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, यदि स्नान के बारे में बातें की जाए, स्नान कब करना श्रेष्ठ होता है, कैसे करना श्रेष्ठ होता है, नहाते समय आप ऐसा क्या करें जिससे आपके घर में कोई दरिद्रता ना आए, बीमारी ना आए, आकस्मिक दुर्घटना ना हो, आकस्मिक असमय मौत ना हो, मृत्यु ना आए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यदि आप जान लेते हैं तो आप अपने जीवन को बहुत ही सहज और बहुत ही सरल बना सकते हैं। यदि शास्त्रों की माने तो जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है वह ऋषि स्नान कहलाता है। वह आप देखेंगे, कोई भी जो ऋषि होते हैं, जो संत होते हैं, साधु होते हैं, वह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, वह ऋषि स्नान होता है। जो सूर्योदय से पूर्व स्नान किया जाता है वह देव स्नान होता है। यदि सूर्योदय हो भी चुका है, लगभग सूर्योदय होते होते यदि स्नान कर लिया जाए तो देव स्नान कहलाता है। और यदि जो सूर्य ऊपर चढ़ गया है, अच्छा खासा समय निकल चुका है, 9-10 बजे का समय हो गया है, और उसके बाद पहले आपने चाय पी लिया, उठ लिया, ब्रश करा या नहीं करा और चाय पी ली, चाय पीने के बाद आपने ब्रश किया, उसके बाद स्नान कर रहे हैं, इसे दानव स्नान कहते हैं। और जो व्यक्ति इस तरह से स्नान करता है उसके घर से समृद्धि, सुख, वैभव सभी क्षीण होता जाता है धीरे धीरे। एकदम नहीं कहेंगे कि आज आपने ऐसा किया और कल आपके यहाँ एकदम गरीबी आ गई, नहीं। ये अपने पुण्यों को नाश करने का एक तरीका है, पुण्यों को समाप्त करने का एक तरीका है, अपने घर में दरिद्रता का निवास करने का एक तरीका है। यदि देखा जाए तो जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। लेकिन यह संभव नहीं हो पाता, हर व्यक्ति यह कार्य नहीं कर सकता, कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन यदि सभी से यह अपेक्षा की जाए तो शायद संभव ना हो। लेकिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। सूर्योदय होते होते भी यदि स्नान कर लिया जाए तो यह भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और कभी भी दानव स्नान नहीं करना चाहिए। दानव स्नान करने से आपके शरीर की ऊर्जा, सकारात्मक शक्तियाँ समाप्त होती चली जाती है। परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति, कलह की स्थिति बनी रहती है, संबंधों में दरार आने लगती है, घर में गरीबी की शुरुआत शुरू हो जाती है। आप स्नान करते हैं सबसे पूर्व, कई लोगों को देखा गया है कि सबसे पहले स्नान करते समय पैर से शुरू करते हैं, नहीं। आप चाहे पुरुष हो या महिला हो, बहुत ही मुश्किल है महिला के लिए, पुरुष तो सिर पर पुरुष पानी डालते ही हैं, जल डालते ही हैं, लेकिन महिलाएं, अधिकतर महिलाएं और 99% महिलाएं अपने सिर पर जल रोज नहीं डालती हैं, लेकिन कुछ दिनों को छोड़कर आप थोड़ा सा जल सिर पर अवश्य डालना चाहिए, चाहे आप महिला हों। और जरूरी नहीं है कि आप प्रतिदिन शैम्पू लगाएं, या जो दिनों को श्रेष्ठ नहीं माना गया है सिर धोने के लिए आप उस समय में पानी नहीं डालें, लेकिन थोड़ा सा जल का आपको छिड़काव अपने सिर पर भी करना चाहिए। नहाते समय सबसे पहले यदि सिर पर पानी डालते हैं और उसके बाद पूरे शरीर पर, तो आपके पूरे शरीर में एकदम सिर से शुरू होकर ठंडक पैर तक आती है और आपको शारीरिक क्षति नहीं होती, साथ में आपका भाग्योदय भी होता है। नहाने के बाद प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। कई बार आपने पवित्र नदियों में देखा होगा किसी ऋषि को, किसी संत को, किसी साधु को स्नान करते देखा होगा। जब वह नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, सर्वप्रथम स्नान करके डुबकी लेते हैं और उसके बाद सर्वप्रथम वह सूर्य नारायण को जल समर्पित करते हैं। ये बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ नियम है। आप यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप जब तैयार होते हैं स्नान करने के बाद, तुरंत सबसे पहले सूर्यनारायण को जल समर्पित करें। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगेगा, आपके शरीर से बीमारी एकदम दूर हो जाएगी। और सूर्यनारायण को जल समर्पित करते समय एक और बात का आप ध्यान रखते हैं तो आप मानकर चलिए कि आपके आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आपके शरीर में कोई भी बीमारी यदि हो भी तो वह दूर हो जाएगी। आप जब जल समर्पित करें सूर्यनारायण को, आप उसमें 21 दाने, जो लाल मिर्ची आती है, 21, 11,
कोई भी कितनी भी क्वांटिटी में डाल सकते हैं, एक से शुरू करके 11 तक, फिर 11 से शुरू करके एक तक ला सकते हैं। जैसे पहले दिन एक किया, फिर दूसरे दिन दो किया, और यदि चाहें तो आप 11 या 21 प्रतिदिन भी डाल सकते हैं। और सूर्यनारायण को दोनों हाथ ऊंचे कर अपने सिर से ऊंचे कलश रखकर तांबे के कलश से जल समर्पित करते हैं और ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः या गायत्री मंत्र का लगातार जाप करते हैं। वो जो जल गिरता है नीचे, सूर्यनारायण को जल समर्पित करते समय, उसमें आप सूर्यनारायण का दर्शन करते हैं, आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है, आपके चेहरे पे तेज बढ़ता है, आपके शरीर से बीमारियां दूर होती हैं, आपको हर जगह प्रति स्थान पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आपको यदि ऐसा लगता है कि आपको घर में मान सम्मान यथोचित नहीं मिल पा रहा, तो आप प्रतिदिन सूर्यनारायण को जल समर्पित करें। वैसे तो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि नहाने से इंसान के तन और मन दोनों को शांति मिलती है, नहाने से शरीर की दुर्गंध और गंदगी भी दूर होती है। इसी के साथ यदि नहाने के पानी में कुछ उपाय किए जाएं, तो बीमारी आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। नहाते समय एक यह छोटा सा तांत्रिक उपाय करें तो धन संबंधी मामलों की रुकावटें बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, और तांत्रिक क्रियाओं के उपाय बहुत जल्दी असर करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सही तरीके से इन्हें करे, पूरा सुनकर, पूरा ध्यान देकर, तो परिणाम जल्द ही देखने को मिलते हैं। यदि आप शुक्र ग्रह से पीड़ित हैं, शुक्र ग्रह से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसका धन क्षीण होने लगता है, उसका धन अपव्यय में जाने लगता है, बहुत जल्दी खर्च होने लगता है और घर में हमेशा अशांति बनी रहती है, कोई ना कोई स्किन प्रॉब्लम चलती है, त्वचा संबंधी रोग। तो एक यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप शुक्र ग्रह से पीड़ित हैं, तो एक लोटा जल लेकर और दो बड़ी इलायची डालकर, बड़ी इलायची आप डालते ही जानते ही होंगे, डोड़ा इलायची, पानी के आधा होने तक उबालें, फिर इस पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिला लें और स्नान करें। नहाते समय शुक्र के निम्न श्लोक का पाठ करें। वैसे ये महा माता दुर्गा का मंत्र है, लेकिन आप इसका यदि उस समय जाप करते हैं तो आप देखना बहुत ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होंगे आपको। मंत्र इस प्रकार है, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा। आप मंत्र फिर से ध्यान से सुने, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा। आप इस मंत्र का जाप करते हैं, आप इसके प्रतिफल में क्या बताऊं, आपको क्या मिलने वाला है, आप कर देखेंगे, आप स्वयं ही जानेंगे कि आपको सिर्फ यह उपाय करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। साथ ही आप नहाने के जल में एक और उपाय कर सकते हैं, यह भी बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है, ये मैं स्वयं भी करती हूँ अपने घर में प्रतिदिन, और आज माँ लक्ष्मी की कृपा मेरे परिवार पर इस तरीके से है कि मेरे घर में कोई भी कमी नहीं है। आप प्रतिदिन नहाने से पहले बाल्टी में जल भरें पूरा, इसके बाद अपनी तर्जनी उंगली यानी सीधे हाथ की तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर से पानी पर त्रिभुज का चिन्ह बनाएं। त्रिभुज बनाने के बाद एक अक्षर का बीज मंत्र हीम हीम उसी चिन्ह के बीच में वाले स्थान पर लिख लें। साथ ही अपने इष्ट देवी देवताओं से परेशानी को दूर करने की प्रार्थना करें, माँ लक्ष्मी से अपने घर आने की आमंत्रण दें। और यदि आप ऐसा करते हैं, आप देखना कुछ दिन में, आप सिर्फ 41 दिन कर देखें, आप लगातार करें, आपको इसका प्रतिफल 8-10 दिन में ही दिखाई देने लगेगा। लेकिन आप प्रतिदिन करके देखें और एक नियम बना लें कि मुझे 41 दिन करना है, 43 दिन करना है, और करते रहें, आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि मुझे आभूषणों की प्राप्ति होना चाहिए, आभूषण लेना है, तो आप पानी में इलायची या एक धागा केसर डालकर स्नान करें। आप सिर्फ ये शुक्रवार को भी कर सकते हैं, इससे आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। यदि पानी में दूध मिलाकर स्नान किया जाए, सिर्फ आधी चम्मच कच्चा दूध मिला लें, तो शक्ति मिलती है, इसके साथ ही उम्र में भी वृद्धि होती है। पानी में रत्न, आपके पास कोई रत्न है तो आप पानी में डाल लें, और स्नान करने से आपको आभूषणों की प्राप्ति होती है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है, आपके परिवार में हमेशा ऐसा लगता है नेगेटिविटी बनी रहती है, तब जब कभी किसी नदी में स्नान करने जाएं, तो उस पानी पर ओम लिखकर पानी में तुरंत डुबकी मार लें,
ऐसा करने से नदी स्नान का पुण्य पूरा मिलता है, पूरा प्राप्त होता है। इसी के साथ आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है और इस उपाय से ग्रह दोष भी दूर होते हैं। बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन करने योग्य उपाय हैं। आप जीवन में करते हैं, कुछ नियम तो ऐसे होना चाहिए जिसे कर कर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें, संपन्न बना सकें। और धन प्राप्ति के यदि आपको ऐसा लगता है कहीं से योग प्राप्त नहीं हो नहीं रहे हैं तो आप यह उपाय भी साथ साथ करते रहें। प्रयास तो करना होगा, कमाई करने के लिए बिना प्रयास आपको पैसा नहीं मिल सकता, लेकिन साथ साथ यह उपाय करने से आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। कर कर देखें, श्रद्धा रखें, भक्ति रखें और कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। आप जितना ज़्यादा जय माँ लक्ष्मी लिखते हैं कमेंट्स बॉक्स में, आपको उतनी ज़्यादा माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय।